हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चाइना ऐसा क्या कर रहा है भाई कि सिक्योरिटी एंजाइटी हो रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को, दोनों को। चलिए देखते हैं। फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, चाइना इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड चाइना इज़ आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी एंगजाइटी, सेड ऑस्ट्रेलियन डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स, मेकिंग द ओपनिंग रिमार्क एट द 2+2 डायलॉग ऑन मंडे। ये चीज़ आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये सिक्योरिटी एंजाइटी है चाइना। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग सेड दिस इज पार्टनरशिप विच इज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर अस बट इट इज क्रूशियल फॉर आवर रीजन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड देर इज कंसेंसस ऑन बोथ साइड दैट अ स्ट्रॉन्ग इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप विल ऑगर वेल, नॉट जस्ट फॉर यूजुअल बेनिफिट ऑफ बोथ आर कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया कौन से एरिया को कहते हैं, फिर उसे देख लेंगे। डिफेंस इन पर्टिकुलर हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेड मिस्टर सिंह, नोटेड टू विच मिस्टर मास कंकर्ड एंड सेड इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ आवर बेड रॉक ऑफ बायलेटरल पार्टनरशिप। बेड रॉक क्या होता है, सबसे नीचे वाला रॉक, जो नींव जो होता है उसको बोल सकते हैं हम लोग। नोटिंग दैट द बायलेटरल टाइज हैव सर्टेनली ग्रोन रैपिडली, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड इट ऑल्सो हैज लार्जर इम्प्लीकेशन फॉर रीजन एंड अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज लुक टू अस एंड टू आर रिलेशनशिप इन मेनी वेज एज अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। दिस मिस्टर जयशंकर सेड हैपेंड एट अ टाइम व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड। वी आर सीइंग शार्पर पोलराइजेशन, डीपर स्ट्रेसेस एंड टूडे इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द रूटीन इज देयर फॉर अ रीजन टू फील सेफर। मिस्टर जयशंकर ए स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, मिस्टर माल्स हु रीच इंडिया ऑन संडे सेड वी आर टू कंट्रीज विच शेयर हिस्ट्री, वी शेयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, वी शेयर रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वेल, आर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इज ग्रेटर देन इट हैज एवर बीन। इट ऑल्सो हेल्ड बायलेटरल टॉक विद मिस्टर सिंह एंड मिस्टर जयशंकर अर्लियर इन द डे। द रिलेशनशिप हैज सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन रिसेंट ईयर विच वॉज नोटेड बाय द मिनिस्टर टेकिंग ऑफ माइल स्टोन। मिस्टर जयशंकर रेफर टू इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विच एंटर इन टू अ फोर्स लास्ट डिसंबर एंड सेड दे आर सीइंग इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अनफोल्ड दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज। चलिए अब देख लेते एक बार समरी क्या बात हो रही है। ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। ये ऊपर में आप मानिए यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब चल रहा है। उसके ऊपर में मंगोलिया, रशिया चल रहा है, ठीक है। ये अपना म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब, वियतनाम आपका, ये चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका माल नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये आपका इंडियन ओशन। तो ऑस्ट्रेलिया के आप देखिए, वेस्ट में इंडियन ओशन है और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक एरिया यही हो गया आपका, यहाँ से ये पूरा एक्सटेंट आपका इंडो पैसिफिक हो गया। तो सबसे बड़ा इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, तो यही बोल रहे हैं चाइना एक थोड़ा थ्रेट है हमारे लिए। ये चीज़ ऑस्ट्रेलियंस ने क्लियर कर दी और फिर यही इंडिया ने बोली कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथन होना चाहिए, क्यों, इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी से लेकर के। यहाँ पे फ्री होना चाहिए इंडो पैसिफिक, फ्री इंडो पैसिफिक, यहाँ पे किसी का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। बस यही बात थी, ये था लोकेशन। अब क्या होता है, मैप हमने एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, उसके बाद मैप हमें बनाना आना चाहिए कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, पता होना चाहिए। तो ये बस एक मैप था जिससे आपको पता चले इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक क्या है,
चाइना कहाँ पर है, कैसा डोमिनेशन है, ट्रेड क्या है, दोनों का बिगेस्ट पार्टनर है, थ्रेट क्यों है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, चाइना एक अपना एक्सपेंड करते रहता है हमेशा अपने आप को। तो बस यही था इस आर्टिकल में। सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।